जैसा गुण वैसा शरीर। प्यारे अब लेकर के आए आदमदेव जी फल को पकड़ाए धुंधली देवी को और समझाए, बोले इस फल को जो है स्नान करके खाना, स्नान करने के बाद कलह न करना, झूठ मत बोलना और किसी के यहाँ प्रपंच मत करना जा करके, अन्यथा कोई काम। बोले चुंगली चाय नहीं करना। बोले ठीक, ये सब नहीं करेंगे। ले जा करके और जैसे ही फल हाथ में मिला, पड़ोसन सखी के पास पहुंच गए और जैसे ही उनके यहाँ पहुंची कहने लगी, पड़ोसन सखी ने पूछा कि देख बहन, तुम्हारे हाथ में फल क्या हमारे लिए लेकर के आई हो? बोले नहीं बहन, तुम्हारे लिए नहीं लेकर के आई हो, ये हमारे स्वामी जी लेकर के आए हैं और इसको पुत्र कामना हेतु लेकर के आए, इसको पुत्र कामना हेतु लेकर के आए और कह रहे हैं इसको खाना है, तभी जो है अब इसको खाने के लिए बताएं। जब खा लेंगे तो हमारा पेट बढ़ जाएगा, भूख कम लगेगी और कहीं बहन हमारे घर में चोरों ने आकर हमला कर दिया तो सारा सामान को लेकर चले जाएंगे वो लोग, कैसे बचा पाऊंगी मैं और घर का हमारे कार्य कौन करेगा? बोले घर का कार्य करने के लिए अपने ननद को बुला लेना, जितने दिन के लिए कार्य करवाना होगा, मतलब प्रयोजन नहीं होगा, जितना दिन सब कुछ कहना, लेकिन बहन ये मत कहना अरे वो महाचुट्टी है आएगी तो सब सारा धीरे धीरे सामान लेकर चली जाएगी, उसको लाने के लिए मत कहो। बोले अच्छा तब क्या करोगे? बोले कुछ नहीं करेंगे, इसको इसे रख देंगे। बोले ठीक। अब काफी समय जब बीत गया, काफी समय जब बीता तो आत्मदेव जी जो है अपने बहन को समाचार पहुंचाए, सूचना पहुंचाए कि ऐसी ऐसी बात, बहन आई। बहन आई तो भाभी के पास पहुंची और भाभी से पूछी क्या ऐसी बात है? बोली बहन ऐसी कोई बात नहीं है, और जो मुझे फल मिला था वो रखा हुआ है। बोले ठीक, चिंता करने की बात नहीं है भाभी, आप चिंता मत करो, हमारे पुत्र होने वाला है कुछ ही दिन में, मैं आपको दे दूंगी और आप मुझे उसके बदले में कुछ धन इत्यादि दे देना। बोले ठीक, बहुत बढ़िया। बोले ऐसी योजना तुमने बनाई है जो बड़ा ही अच्छा है। ठीक। और बोले इस फल को ले जाकर गाय को खिला दो। बोले इस फल को ले जाकर गाय को खिला दो और हमारे पुत्र होगा वो तुम ले लेना और जो है मुझे उसके बदले में धन दे। बोले वाह, बहन हो तो तेरी जैसी, बहन हो तो तेरी जैसी, आज तक मैंने इसे देखा नहीं। बोले ठीक। कुछ कलंतर में कुछ समय जब बीत गया प्यारे, तो आत्मदेव जी के बहन को पुत्र हुआ और पुत्र हुआ तो ला करके धुंधली देवी को दी, और जब धुंधली देवी को पुत्र ला करके दी तो धुंधली देवी ने आकर के आत्मदेव जी से कहने लगी कि आज मुझे पुत्र हुआ है, और आत्मदेव जी ने बहुत प्रसन्न हुए, प्रफुल्लित होने लगे और उसके बाद में जब कहने लगे कि मैं नामकरण संस्कार करूंगा, बोले नहीं इसका नामकरण संस्कार मैं करूंगी। बोले ठीक है। बोले इसका नामकरण संस्कार की धुंधली देवी धुंधकारी नाम रखी, और उसके बाद में जो फल ले जाकर के गाय को खिलाया गया था, ठीक 4-5 महीने बाद एक सुंदर सा बालक का जन्म, एक सुंदर सा, उसके कान तो गाय के जैसे रहे लेकिन और आकार शरीर मनुष्य जैसे, और क्योंकि वो फल है जो संत ने दिया था, वही फल उस संत का
प्रभाव है। इसके बाद जब पुनः पुत्र हुआ, जब पुनः पुत्र हुआ तो गोकर्ण जी, गोकर्ण नाम रखा गया। धुंधली देवी पहुंची और आत्मदेव जी से कहने लगी कि आज फिर मुझे पुत्र प्राप्त हुआ, तो उनका नामकरण संस्कार आत्मदेव जी किए, गोकर्ण नाम रखे और उसके बारे में जय श्री राम लगा। आत्मदेव जी ने कहा कि मांगो दयो आधुना, मांगो दयो आधुना। कहने लगे भगवान से, कहने लगे कि मांगो दयो आधुना। मैंने तो भगवान से थोड़ा मांगा था, लेकिन भगवान ने मुझे अपर्याप्त दे दिया। बहुत दो दो पुत्र हैं, हमको अब क्या दिक्कत, कहां एक भी नहीं था, कहां दो पुत्र हैं, बहुत है, हमारा जीवन पार हो जाएगा। अब कुछ समय बीत गया, जब तो गोकर्ण पंडितों ज्ञानी धुंधकारी महाखला, धुंधकारी जो है दुष्टई दुराचार करने लगा, अन्य अन्य घरों में जाए, प्यारे जाकर के सामान इत्यादि की चोरी करे राजाओं के यहाँ, और मदिरा का पान करे। एक दिन बैठे हुए आत्मदेव जी बैठे सोच रहे कि बताओ अब मैं इस दुख को किससे कहूँ जा करके। एक दिन तो मैं परेशान था कि मुझे पुत्र नहीं हो रहा है, और आज मैं परेशान हूँ कि मैं इस दुख को किससे कहूँ, क्योंकि प्यारे हर बातें सबसे कही जा सकती है, लेकिन घर की बातें हर किसी से नहीं कही जा सकती है, कहीं उसी से जा सकती है जो सुन करके रखने वाला हो। और कहने लगे कि मैं इस घर का दुख अब किससे कहूँ जा करके, जाए कोई इस दुख को सुनने वाला नहीं। तब तक बैठ करके आत्मदेव जी शास्त्री जी सोच ही रहे, तब तक गोकर्ण जी आए, गोकर्ण जी आए और कहने लगे पिताजी इस संसार में जो है कोई सुखी नहीं, इस संसार में कोई सुखी नहीं, क्यों, क्योंकि आपके नजर में हम सुखी हैं, हमारे नजर में आप, जय श्री राम, इसी का बहम दुनिया को, दुनिया के पास है, बाकी हर व्यक्ति आज के समय में दुखी है। जिसके पास जितनी संपत्ति है व्यक्ति उतना ही परेशान। और कहने लगे कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भाई, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भाई, इंद्र कहे सुख चतुरानन को, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भाई। तुलसीदास विचार करो हरि भजन दीना सब जीव दुखारी, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराजा सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख चतुराना। और इसीलिए प्यारे एक ना एक दूसरे एक दूसरे की नजर में सब, लेकिन सुखी कौन है, नाना दुखिया सब संसारा, और जो सुखिया जो नाम, सो सुखिया जो नाम धारा, नाना दुखिया सब संसारा, नाना प्रकार के हर व्यक्ति के पास दुख होता है, और सुखी वही है, सुखी राम पर दास, जो भगवान का है वही। प्यारे में आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि गोकर्ण जी आए और पिताजी को समझाने लगे कि पिताजी इस संसार में कोई सुखी नहीं है, जय श्री राम, आप जो है क्यों माया के चक्कर में पड़े हैं। बोले बेटा
जिस परिस्थिति से मैंने तुम लोगों को पाया है, आज उस परिस्थिति को तुम दोनों समझ पाओ, उतनी शीतलता मुझे प्रदान होगी, प्रदान करोगे कि मैं उस शब्दों में नहीं कह सकता। बोले, पिताजी मैं आपको किस तरीके से बताऊं कि इस जीवन में जो है कोई किसी का है नहीं, और बस आपसे मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मैं आपसे एक चीज ये कहना चाहता हूं कि आप बोले कि पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं, तकदीर का क्षण में क्या हो जाए कुछ पता है नहीं, इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप जो है यहां से वन में जाओ और वन में जाकर के भगवान का भजन करो। आज देखिए ध्यान देने वाली चीजें हैं, वही संत जी कह रहे थे कि हमारे साथ चलो भजन करने के लिए, तब नहीं जा रहे थे शास्त्री जी, और आज उसी उन्हीं संत का दिया हुआ एक फल।